अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज फार्म के लिए थोड़ा सा हार्ड डे है, यानी कि थोड़ा गर्म दिन है। गर्म दिन इसकी वजह से क्योंकि आज एक बड़े बकरे को बंद लगा हुआ है और बहुत खतरनाक है, तो उसको हम दे रहे हैं रूमी केयर वेट। ये ले लिया मैंने, अभी इसमें और डालूंगा मैं, और इसको हल्का गर्म गुनगुना पानी करके, जो बकरे को मिंगनों का बंद लगता है उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, हल्का गर्म पानी करके इसको देंगे इंशाल्लाह। तो भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे ट्रीटमेंट हुए हैं करे हुए, और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है जानवर। बड़ा बकरा है माशाल्लाह, इसको पेशाब का और पेट में बंद लग गया था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसको हमने अभी फ़िलहाल जो दिया है वो DNS चढ़ाई है, मेगलोडाइन और मेलोनेक्स की IV चढ़ाई है इसको। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या रिजल्ट रहता है, लेकिन पहले जैसे बहुत ज़्यादा पेट खींच रहा था अपना, अभी नहीं खींच रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था बकरा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पंखे के सामने खड़ा किया क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी चले हैं और उमस का मौसम है, तो अगर आप भी बकरों को जब भी ट्रीटमेंट दो तो उसको पंखे के सामने खड़ा कर दो, ताकि जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और बकरा उमस की वजह से परेशान ना हो, मक्खियाँ वगैरह परेशान ना करें। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरा, जैसे हमारा एक ओरियो आया था आपने देखा होगा पिछले साल, ओरियो का मसला हुआ था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेम वही कंडीशन थी इसकी, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अभी पेट वगैरह नहीं खींच रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी शाम तक मैं इसके साथ ही बैठूंगा इंशाल्लाह, आज मेरे बहुत सारे काम थे, लेकिन जब तक ये बकरा रिकवर नहीं होता तो मैं ये बैठा हूँ यहाँ पर, तो जब तक इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक अपन यहीं पर हैं इंशाल्लाह। देखते हैं क्या इसकी पोजीशन होती है क्या नहीं। अभी अगर बात करें रिकवरी की तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरा 30% कवर हो गया। रिकवरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा पेट से तड़प रहा था बकरा, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र नहीं है, रेडिमा का इंजेक्शन भी दिया है ताकि इसको पेशाब वेशाब का बंद हो तो पेशाब हो जाए। अभी हल्का हल्का खाना शुरू हुआ है माशाल्लाह, है ना। अपने मोस्टली सारे बकरे जो आए थे सेल वाले, अल्हम्दुलिल्लाह उनका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हुआ और अब इनको सबको एक ही जगह पर कर दिया है, ठीक है। इस बाड़े में कितने बकरे आए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी इसमें 2-4 बकरे और आएंगे और इस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बाड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। बट इसमें से जो बकरे बिके हैं वो जाने हैं, यानी कि जैसे ये बकरा गुजरी का है माशाल्लाह, ये सहारनपुर जाएगा, तो इसको पंच होने का है, तो ये इंशाल्लाह आज पंच हो जाएगा। बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह, ये भी सेट हो गया, ठीक है। इसमें से मैं बकरे बता दूँ, वो तोतापुरी का बकरा जाएगा, बाकी जितने भी वो बकरा बिक चुका है वाइट आइस का बकरा, वही तो ऑलमोस्ट इसमें से सारे बकरे जाएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा इनके ट्रांसपोर्ट में, यानी कि 2-3 दिन के बाद से शुरू कर दूंगा मैं भेजने इनको, क्योंकि अभी कावड़ थी इस वजह से रोक रखे थे। मगर ये सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, हेल्दी हैं और सारी चीज़ें इनको हो चुकी है, तो इनको अपन अब कर रहे हैं। जिस बकरे को, एक बकरे को वाइट आइस का उसको लूज मोशन आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो खड़ा ना वहाँ पे, इसको लूज मोशन हुए थे लेकिन अब वो बिल्कुल सही है, तो उसको नहला देते हैं आज और शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज से इनकी खिलाई पिलाई, ठीक है भाई। ये बकरा भी ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है, ये बकरे की भी तबीयत ख़राब हुई थी, ये सहारनपुर से आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेट है, थोड़ा सा उतर गया लेकिन इंशाल्लाह अच्छा है। ये बकरा जाएगा देहरादून, तो ये भी शायद से कावड़ की वजह से रुका हुआ था, बट अभी इंशाल्लाह इसको भी भेज देंगे। तो ये हो गया, ये मुजफ्फरनगर बकरा जाएगा, तो बहुत सारे बकरे इसमें बिके हुए हैं, जैसे वो बकरा पीछे परेशान कर रहा है ये फोर सेल है, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो में डालूंगा आज के ही ब्लॉग में, ये दिखा दूंगा ये 2 बच्चे फोर सेल वाले निकाल के, तो जो जो भाई को बकरे लगेंगे वो बकरे रख भी लेना। ये बकरा भी बच रहा है, ये सेल के लिए अवेलेबल, अगर किसी को चाहिए होगा तो रख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाला रहा, सुबह के टाइम पे बकरा परेशान हो गया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 40% कवर हो गया, थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू किया है, लेकिन पेट का मसला है और हार्ड दिक्कत थी, तो मेरे हिसाब से इसको जाएगा अभी कम से कम आज पूरा दिन रिकवरी लेने में, बट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो रिकवरी ले लेगा। अभी हम ये सारी बकरियाँ यहाँ से खोल के उस तरफ करवाने वाले हैं, ताकि इधर के सारे जानवर फ्री हो सके। इस तरफ से खाने में बकरों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बकरे ज़्यादा हैं इस बाड़े में इस फीडर के हिसाब से, तो हमने एक फीडर ये रखा है यहाँ पर, अभी देखते हैं इंशाल्लाह उसमें भी डाल देते हैं पत्ती, और उसके बाद इसकी क्या रिस्पॉन्स आता है बकरे का वो देखते हैं इंशाल्लाह। भाई लोग ये बकरा अभी तक नहीं सेल हुआ है, मैं क्लियरली आप लोगों को एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर आप लोगों को वाकई में बकरा पालने का मन है बड़ा बच्चा, तो ये बकरा निकाल लो, बहुत बनने वाला बच्चा है माशाल्लाह, और कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस साल की कुर्बानी तक आपका बहुत अच्छा बकरा तैयार हो जाएगा। वाइट आइज में है लेकिन लेंथ वेंथ बहुत कमाल की है इसकी माशाल्लाह। ये जो आई ना, ये साहबान के साथ पीछे पीछे आई है यहाँ पर, और इसका आने का मेन रीज़न ये है कि इसको यहाँ पे दूध पीने का। आ जा बेटा, आओ मम्मी पास चल रहे, आ जा, ओहो साहबान के पास ओ बेटा आओ,
मम्मी के पास चल रहा है, दूध पिलाऊंगा तुझे, उठाई सामान। आया ले, वो बुला रहा मेरी तरफ मत देख, ले आया। चलो चलो, मम्मी पास जा रही है, इसकी मम्मी की किसी ने चोट मार दी है किसी बकरे ने ना यार, तो इसकी मम्मी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, वरना बहुत अच्छी तैयार हो गई थी। अच्छा दिन ना भाई, रात हम गए थे यहाँ से 12 बजे, बारिश आ रही थी, बकरे सारे अल्लाह का शुक्र है हेल्दी थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से एक बकरे को अपारा आया, और अपारा कभी भी आ सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि बकरों को बारिश के टाइम पे दाना वाना नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, जब बारिश स्टार्ट हुई उससे पहले हमारे बकरे ऑलमोस्ट खा चुके थे, और बारिश का कोई विचार था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है एक तरह से ना, बारिश थी है ही नहीं, तो सूखा था, तो हमने बकरे को जो दिन में गेहूं वगैरह खिलाते हैं वो खिलाए पत्ती में मिक्स करके, शाम के टाइम जब बारिश हुई तो हम लोगों ने ऑलरेडी पत्ती डाल रखी थी, और पत्ती के अंदर ऑलरेडी गेहूं पड़ा था, तो वो बकरे ने जुगाली उगाली नहीं करी बारिश में, क्योंकि मोस्टली जानवर बारिश के टाइम पर नहीं करते, तो उसको अपारा टाइप बन गया, वो गैस बन गया, और उसके साथ उसको इतना बड़ा मसला हो गया था कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में बकरा नीचे गिर गया था, मतलब नीचे गिर गया बकरा, और बहुत ज़्यादा पैर हाथ फेंकने लग गया था। खैर लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करोड़ों एहसान है मेरे मालिक के, कि बकरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शाम तक की इसकी और अपडेट देखनी है, अभी सिर्फ इसको हम ना हरा चारा खिलाएंगे, और पूरे हफ्ते हम इसको सिर्फ हरे चारे पर रखने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ का बकरों का भी सब कुछ हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, अब उधर के बकरे भी अल्लाह का शुक्र है हो गए। अब आप एक चीज़ का इमेजिन करो, पूरी रात बारिश हुई है, और कल मेरे हिसाब से 6 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी, पूरी रात बारिश हुई है, ठीक है, धूप भी नहीं है कहीं से कहीं तक भी, और हालत देख लो पसीने में, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे फोले वाला चला रहा हूँ, सिर्फ इधर से उधर जाके बकरियाँ चेकअप कर रहा हूँ, बकरे चेकअप कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इधर से उधर, सिर्फ चलने फिरने में, तो इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा उमस है। तो ये उमस का मौसम है दोस्तों, और आज 1 अगस्त है। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग मसाला यूज़ करते हैं वो भी, और जो लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी, अभी बकरों को डाइट पे मत लगाना, ठीक है, क्योंकि मसाला खिलाने से बकरों की भूख बढ़ेगी, 100% डन है, मगर उनकी भूख बढ़ने दो, उनको भूख में सिर्फ हरा चारा खिलाना, लाइक हरी पत्ती। ये मौसम बकरों को दाना खिलाने का नहीं होता, ये बात समझ जाओ। इस मौसम में आप गेनिंग पे फोकस करोगे, आपके बकरे कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर होने का मतलब ये कि वो आने वाले टाइम पे उतने अच्छे लीवर के नहीं बन पाएंगे जो उनको होना चाहिए। तो ये जो मौसम है ना, इस मौसम में ये काम करो कि आपके बकरों के जो लीवर है वो अच्छे हो जाए। यानी कि सपोज़ करो आपके बकरे को भूख है, ठीक है, और आप उसको फिर भी नहीं खिला रहे हो, यानी कि 100% की भूख में आप 70-80% ही खिला रहे हो, इससे आपके बकरे के अंदर भूख बढ़ेगी, लपक बढ़ेगी, और उसका जो लीवर पे लोड नहीं होगा ना, तो लीवर दिन पे दिन जब कम खाएंगे, बकरा जुगाली अच्छी करेगा, करता रहेगा, तो लीवर मजबूत होगा। तो जब बकरे के अंदर आप ये 1 महीना जगह बना लोगे, तो नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह मैं खुद आपकी डाइट के लिए जो भी हम हमारे फार्म पर यूज़ करेंगे आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लो भाई लोग, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही है, मेरा तो कुछ खास नुकसान है नहीं, सिर्फ मेरा इतना नुकसान होगा कि आपके बकरों पर रिजल्ट नहीं आएगा, मेरा दिल दुखेगा, लेकिन आपके जानवर ही ख़राब होंगे। तो समझो प्लीज़ बात को, मत खिलाओ बकरों को फिलहाल, जितना 100% बकरी की अगर भूख है तो सिर्फ 70% ही खिलाओ, उससे आपके बकरे की भूख इतनी अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत है। और जब बकरों के अंदर जगह होती है, आपने देखा होगा जब जंगल से जानवर आता है, जंगल से आने के बाद जब उसको फार्म पर खाने पीने को मिलता है तो डबल की स्पीड पर बढ़ता है, यही चीज़ आपके यहाँ पर होगी। आप अपने घर को जंगल बना दो बकरों के लिए, कम से कम खिलाओ, मगर ऐसा खिलाओ जिससे उनका लीवर मजबूत हो, ठीक है। और लीवर मजबूत करने के लिए साबिर जी कैटल फीड का डाइट मास्टर, हरा चारा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बस इन्हीं चीज़ों पर फोकस करो, ज़्यादा कुछ मत करो। ये कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है ये इंशाल्लाह आपको बस थोड़ी देर में बता रहा हूँ, जब बन जाएगा वो सरप्राइज़ जो मैं आपको बता रहा था। भाई लोग साबरजी कैटल फीड, साबरी गोटकान, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बुरी नज़र के लिए कि अल्लाह ताला इन बच्चों को, हमारे बकरों को बुरी नज़र से बचाए। ये वो बना रहे पापा, हम लोगों ने यहाँ से साबरजी कैटल फीड का बैनर उतरवा दिया है, इसका रीज़न है मौसम, बारिश वारिश भी हो रही है, और उमस की वजह से अभी इसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे, और ये महंगी फ्लेक्सी आई थी तो ये ख़राब हो जाती है, इस वजह से हमने इसको उतारा दिया। अभी इंशाल्लाह जैसे ही हमारे शूट वगैरह स्टार्ट होंगे इसको वापस से चिपका लेंगे, थोड़ा सा सामान को बचाने का भी बहुत बड़ा टास्क रहता है, अभी यहाँ पर बहुत सारा सामान वामान पड़ा है, इंशाल्लाह सारा का सारा ठीक करके, अभी मौसम वैसे उमस का ही है लेकिन बारिश का भी बन रहा है, तो फटाफट से सारे काम वाम निपटा के इसको हटाते हैं यहाँ से। अभी एक बाड़ा और बनना है, उसकी वजह से छप्पर बन रहा है, और इस तरफ सिर्फ अभी 4 बकरियाँ हैं, बाकी सब बकरे उधर चले गए। लग रहा है यार ये ना पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह
बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साबरी गोट फार्म एंड साबिर जी कैटल फीड प्राइवेट लिमिटेड 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट माशाल्लाह। ताज़ा पानी भर दिया और ताज़ा पानी भर के हम लोगों ने रख दिया और ये सारा का सारा ग्राउंड अब तैयार है और अभी हमारे सारे बड़े बकरे और छोटे बकरे कम से कम एक घंटा यहाँ पर रहेंगे, उसमें वो बैठेंगे, खेलेंगे, जो भी उनको करना होगा एक्टिविटी को करेंगे। तो ये हमारे फार्म की रूटीन रहती है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने जो फार्म बनवाया था तो मुझे थोड़ी सी जगह और एक्स्ट्रा ये ले लेनी चाहिए थी बकरों को खेलने कूदने के लिए। ये जगह मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ले ली थी शायद से हमारे लिए, और इसी चीज़ के लिए आप लोग हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद। ये जो हेयर रेलिंग इसको हम थोड़ी सी पीछे करा देंगे और इस छप्पर को इसमें कन्वर्ट ले लेंगे, यानी कि जो ये यहाँ तक हम इसको पूरा कवर करा लेंगे इससे, तो इन बकरों के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग ये पूरा पूरा पार्टीशन यूज़ करेंगे बकरों को रखने के लिए। ये अभी की प्लानिंग नहीं है, ये फ्यूचर की प्लानिंग है। अभी तो बस ये जितना काम हो गया इतना इनफ है। अब बस वहाँ का बैनर बोला है मैंने, साबिर जी कैटल फीड का बैनर आएगा, वो इंशाल्लाह लगा देंगे वो कल परसों में आके। देखो कबूतर कहाँ बैठा है, ओहो माशाल्लाह, तो वो लगा देंगे और ये सारा सामान जितना भी है उठ जाएगा। लेकिन इसको उठने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारा छप्पर वगैरह बांध रहे हैं ना, ये इतना बड़ा नवाब आदमी है, सुबह मुझे बोल के गया कि भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ कादिर भाई, और घर से फ़ोन आया और अभी तक उसका ये नहीं पता कहाँ है, वरना आज ये ख़त्म हो जाता इतना सा काम। अभी आप लोग देखना इतने से काम के लिए कितने दिन अपने को रुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब ये डल जाएगा उसके बाद मुझे अंदर मिट्टी डलानी पड़ेगी, यहाँ पर अंदर मिट्टी डलानी पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी पानी वानी गिरने के बाद से थोड़ी ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर मिट्टी डलानी पड़ेगी मुझे। तो अभी बहुत सारे काम है यार, काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। लेकिन चलो खैर, कोशिश करते हैं अगस्त में इंशाल्लाह सारे काम वाम से फारिग होके अगस्त और बकरों को रेस्ट देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम तैयारी पे लगाएंगे। चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको बड़ी हैरत होगी सुन के कि हम लोग जो बकरा जिस बकरे को आज पेट की दिक्कत आई थी, जिसके पेट में चुभन वगैरह थी, जो भी था एक्सपायर्ड हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके पेट में अब आराम है, वो बहुत ठीक है बकरा। लेकिन अभी स्ट्रेस में है, क्योंकि जो ये चीज़ें होती है जानवर के साथ तो जानवर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और पेट दर्द जब जानवर को होता है तो उसके बाद जानवर काफ़ी टाइम तक रिकवरी नहीं लेता, मतलब सुन खड़ा रहता है। तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग जो करते हैं दोस्तों, वो ये करते हैं कि जैसे अभी हम इसको 3 दिन बकरे को बिल्कुल हल्का चलाएंगे, यानी कि नॉर्मल हरी पत्ती पर कोई दाना नहीं देंगे, और डेली इसको लीवर टॉनिक, अच्छा से अच्छा लीवर टॉनिक मसाला, एंड इसके साथ साथ इसको बायोबूस्ट की टैबलेट वगैरह चलाएंगे, ताकि 3 दिन इसका प्रोबायोटिक इसके लीवर को मिल जाए और इसका लीवर फंक्शन बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दे, ताकि ये जानवर, क्योंकि अभी बकरे ना तैयारी पे नहीं है, अभी जितना हल्का रखा जा सकता है बकरों को हल्के रखे हैं, और ये हमारे वो अदंत बच्चे जो थे सारे निकल रहे हैं। मेरी प्लानिंग है भाई लोग कि मैं सारे अदंत बच्चे यहाँ से हटाऊंगा, सब हटाऊंगा इंशाल्लाह, टोटल जितना भी देखो लौट आ रहा है ना, इसमें से जो बकरे सेल हो चुके हैं वो भी जाएंगे, और ये सारे अदंत बच्चे जितने भी है टोटल हटेंगे, अपन सिर्फ अब बड़े बकरे रखेंगे फार्म पर, सब बच्चे हटाऊंगा धीरे धीरे इंशाल्लाह, इनकी सबकी वीडियो लगाऊंगा। एक से बढ़ के एक क्वालिटी का बच्चा है इसमें माशाल्लाह, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये माशाल्लाह खूबसूरती माशाल्लाह बच्चे की, ये देखो अभी दांत निकाल रहा है ये जस्ट, और इतना खूबसूरत बकरा है ना माशाल्लाह, बहुत प्यारा बकरा है ये बकरा, देखो माशाल्लाह गुजरी में, मतलब सारे चूज करके लाए हुए बकरे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी बकरा ऐसा ही है, लेकिन अभी इनको सबको हटाने का है, क्योंकि रीज़न है कि हम लोगों को बड़े बकरों में काम करना है और बच्चे हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो हम लोगों को बच्चे हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि परेशान भी बहुत करते हैं भाई लोग, तो इस वजह से सब जाएंगे। ये बच्चा देखो, ये बच्चा मेरे कस्टमर का है, उनको ये बकरा देने का है। तो ये कोई से भी बकरा आप लोगों को ब्लॉक में अगर पसंद आया, लेना हो तो ले सकते हो। इनमें से 80% जानवर सोल्ड आउट है, जैसे ये बच्चा भी अवेलेबल है, तो 80% बकरे इसमें तो सोल्ड आउट है, बाकी जो 20% बच्चे हैं वो अपन हटाएंगे इंशाल्लाह। जैसे गुजरी बच्चा है, बहुत बनने वाला बकरा है माशाल्लाह भाई लोग, लेंथ वेंथ बहुत काम की है इसकी ना, ये देखो ये जस्ट अभी बिक्री का है, ये सेल का है, ये बच्चा भी सेल का है, ये बकरा भी सेल का है, तो काफ़ी सारे बकरे इसमें सेल के भी हैं। और ये हमारा चांद बाबा, और ये हमारे बरबरे आ रहे हैं माशाल्लाह, बरबरा देखो कितना सॉलिड बन चुका है माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया। तो बरबरे भी हमारे फार्म पर अच्छे तैयार होते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे हम कुर्बानी के टाइम पर, अल्लाह ने चाहा तो क्या बनेंगे। इस बरबरे की बात ही अलग है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बरबरा है वो हमारा, इसका नाम हम लोगों ने रखा है सेठ, इसको किसी बकरे ने बहुत गंदा मारा था, देखो यहाँ पर ना
लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बड़े बकरों में घुस गया था, लेकिन इसकी बनावट देखो माशाल्लाह जब से आया तब से और अच्छा हो गया, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये वो बकरी है जिसकी तीन बच्चों के साथ आई थी, ये क्रॉस हो चुकी है क्या? हाँ बाहर खोल दे बकरे, बस इनको ना लड़ने ना देना, मत लड़ने मत देना। वो मक्की चीना भी बहुत क्वालिटी का बकरा है भाई, ये देखो माशाल्लाह कलरफुल बच्चा, बहुत हाइट लेने वाला बकरा है और कलर का भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हथियार का बकरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बकरे आ चुके हैं और अभी हमारे बड़े बकरे बाहर आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह इनकी घमासान होगी तो इनको रोकने का भी है। और वो देखो माशाल्लाह हमारे कबूतर कार को मेरी गंदा करते हुए, लोग शौकीन होते हैं ना जिनको बकरों से मोहब्बत है, जानवरों से मोहब्बत है, उन लोगों के लिए ये जगह ऐसी है कि बस पूछो मत, वो जब यहाँ आएंगे इस तरह के बकरे वगैरह देखेंगे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे अच्छी बात कि ये सारे बकरे ऐसा नहीं है कि लॉट में खरीदे हुए हैं, एक एक बकरा निकाला हुआ है चूज करके। बड़े बकरों में आओगे तो भी माशाल्लाह, छोटे बकरे भी अल्लाह का शुक्र है सारे कलरफुल बकरे हैं और सब बकरे एक से बढ़ के एक हर नस्ल के जानवर है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे फार्म पर कि हमारे फार्म पर हर एक चीज़ क्वालिटी की आती है। एक 45 का गुजरी आया था माशाल्लाह, फिर एक 45 का गुलाबी बकरा आया, अल्लाह का शुक्र है। और अभी देखिए माशाल्लाह ये पूरा बच्चों का हिसाब देखिए, बकरे देखिए, तो मतलब अल्लाह का एहसान है कि कलेक्शन हर कहीं देखने को नहीं मिलेगा आसानी से आपको, क्योंकि हर फार्म पे, मैं किसी भी फार्म पे वो नहीं करना चाहता, नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो कलेक्शन हमारे फार्म पर आता है ये बहुत चूज़ करके आता है और बहुत क्वालिटी के बकरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने एक बकरा स्टेटस पे लगाया था, वो सोल्ड आउट हो चुका है, तो अभी उसके लिए कॉल ना करना भाई। एंड इनमें से जो भी बकरा आपको अगर समझ में आए तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करना, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो वगैरह निकाल के आपको दे दूंगा। आई होप आपको ये ब्लॉग समझ में आया होगा, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। I-10 पे बैठ के क्या कर रहे हैं ये लोग माशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन परेशान करने के बाद अब जाके अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि बकरा फाइनली 100% रिकवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जुगाली वगैरह स्टार्ट कर दिए और ये है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, नज़र में आ गया था या अल्लाह जाने बेहतर जाने क्या हो गया था इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया है। शाम के टाइम फिर इसको पेन स्टार्ट हो गया था तो वापस से इसको ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन अभी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको शिफा दी अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों एहसान है मालिक के। बहुत टेंशन हो गई थी यार इस बकरे को लेकर, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बकरा है और बहुत मेरा पसंदीदा बकरा है, और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है बकरों में, तो इन चीज़ों के लिए बस यही है बकरों की लाइन में सबसे हार्ड टाइम कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हर टाइम प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारा बकरा कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।